विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कल हम इंदु के 10 पुत्रों की कहानी देख रहे थे, क्योंकि जब इन पुत्रों के माता पिता मुक्त हो गए तो इन 10 भाइयों के मन में यह ख्याल आया कि हमने किस चीज का ध्येय रखना चाहिए जीवन में, हमने क्या करना चाहिए, वह परम स्थिति परम पद क्या है जिसकी चाह हम भीतर रखें। तो फिर उन्होंने यह तय किया कि राजा बनना या इंद्र बनना या स्वर्ग के देवता बनना, यह सब क्षणिक है, यह कुछ समय तक ही रहता है। क्यों ना इस सृष्टि का सर्जन करने वाला ब्रह्मा ही हम बन जाए और उस पद को प्राप्त कर ले जिसे मृत्यु भी छू नहीं सकता। और फिर उन 10 भाइयों ने मनन करना चिंतन करना शुरू कर दिया कि वह ही ब्रह्मा है, वही सृजन कर रहे हैं, युगों की युग आ रहे जा रहे, सृष्टि का सृजन हो रहा है, पालन हो रहा है, अंत भी हो रहा है। इस मनन चिंतन के साथ वो 10 भाई लगे हुए थे। आगे देखते हैं कहानी में क्या हुआ। सूरज ने जो ये कहानी बता रहा है उसने आगे कहा, इस प्रकार वे सभी अत्यंत एकाग्र भाव से ब्रह्मांड के कर्ता का ध्यान करते रहे। फिर उनके शरीर विदीर्ण हो गए और कुछ भी शेष रहा उसका जंगली जानवरों ने भक्षण कर डाला, परंतु वे अपनी अशरीरी अवस्था में भी दीर्घ काल तक अर्थात तब तक ध्यानमग्न रहे जब तक कल्प का अंत नहीं हुआ। कल्प के अंत के समय सूरज का ताप प्रखर और असह्य हो गया, बादल भी महागर्जन के साथ फट पड़े और फिर सब कुछ नष्ट हो गया, परंतु वे परमात्मा अशरीरी अवस्था में भी यह सोचकर ध्यान अवस्थित रहे कि हमें ब्रह्मांड का कर्ता बनना है। तो वह एकाग्रता के साथ शरीर के बिना भी ये 10 के 10 भाइयों के भीतर वही एक दृढ़ धारणा रही कि हमें इस सृष्टि का ब्रह्मांड का ब्रह्मा बनना है, सृजन कर्ता बनना है। नवीन सृष्टि के प्रभात काल में भी वे पवित्र आत्मा उसी स्थिति में रहे तथा उनकी वही आकांक्षा भी रही। कल्प खत्म हो गया, सृष्टि खत्म हो गई, दूसरा सृजन हो गया, लेकिन जब नया कल्प आया उसमें भी ये वह अशरीर अवस्था में उसी गहरे मनन में चिंतन में लगे रहे और देखते देखते वह सृष्टिकर्ता बन गए। वे 10 सृष्टिकर्ता थे और उनके अपने अपने ब्रह्मांड थे। हे प्रभु, मैं उनमें से एक सूरज हूं जो उनके द्वारा सर्जित ब्रह्मांड में प्रकाश करता हूं। ब्रह्मा को एक सूरज ये कहानी बता रहा है। उन्होंने अपने 10 ब्रह्मांड बना लिए, क्योंकि जैसे वो सिद्ध हो गए वह ब्रह्मा बन गए, सृजनकर्ता बन गए, तो हर एक ने अपने 10 ब्रह्मांड बना लिए और उस ब्रह्मांड में जो प्रकाश करने के लिए सूरज था उसमें से एक सूरज यह है जो ब्रह्मा को यह कहानी सुना रहा है। वशिष्ठ ने उस सूरज से कहा, हे सूर्य देवता, जब 10 सृष्टिकर्ताओं द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण किया ही जा चुका है तब मेरे लिए करने को क्या है।
ब्रह्मा ने पूछा कि ऑलरेडी 10 ब्रह्मांड का सृजन हो गया, तो फिर मेरा क्या काम है, मेरा क्या रोल है? सूरज ने उत्तर दिया, हे प्रभु, न आपकी कोई आकांक्षा है न कोई प्रयोजन है, अतः आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। ब्रह्मांड को निर्मित करने से आपको अंततः कौन सा लाभ होने को है? आपके ब्रह्मांड की सृष्टि प्रयोजनहीन खेल के जैसे है। तो सृष्टिकर्ता मैं इसका सृजन कर रहा हूं ऐसी भी बात नहीं है, वह एक खेल के तरह है, चल रहा है, उसको बनाकर भी कोई फायदा नहीं है और वो ना हो तो कोई नुकसान भी नहीं है। तो ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई ऐसे भी नहीं है, ब्रह्मा है और सृष्टि बन गई, संसार बन गया। सूर्य बिना इच्छा या संकल्प के चमकता है, ताल का जल बिना चाहते ही सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। तो ये जो ब्रह्मन है ना, ये जो खेल चल रहा है ना, ये किस प्रकार है? स्वभावता है, उसके भीतर एक स्वभाव है, तो उस स्वभाव से हो रहा है। सूरज ये नहीं कहता कि मुझे प्रकाश देना है, उसी प्रकार जल में सूर्य का प्रतिबिंब, ऐसे नहीं जल कहता कि मुझे इस प्रतिबिंब को दिखाना है, स्वभावत है, उसके लिए कुछ विशेष करना नहीं पड़ता, हो रहा है। उसी प्रकार आपकी इच्छा या संकल्प के बिना भी सृष्टि आपसे उत्पन्न होगी। तो सृजनकर्ता की भी जरूरत नहीं है, चाह की, वो वैसे ही सृष्टि का उत्पन्न उत्पत्ति होने वाली है। जिस प्रकार सूर्य बिना चाहे बारी बारी निरंतर दिन रात प्रकाश उत्पन्न करता है, जैसे सूर्य की चाहत है इसलिए प्रकाश नहीं दे रहा, वो बगैर चाहे ही प्रकाशित है, दिन रात प्रकाश देने का कार्य करता रहता है। उसी प्रकार आप भी बिना इच्छा या संकल्प के सृष्टि में लगे, अपने प्रकृत प्रकार्यों को त्यागने से भी आपको क्या मिल सकता है? कार्य को त्यागने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। तो जो आपका कर्म है, जो आपके लिए है, वह निरंतर करते रहे। बुद्धिमान व्यक्ति में कुछ करने की न इच्छा होती है और न कुछ न करने की इच्छा होती है। एक बहुत बड़ा एक अच्छा जो यहां पे ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है। देखो, एक अज्ञानी व्यक्ति कहता है कि मुझे ये करना है या मुझे ये नहीं करना है। ज्ञानी व्यक्ति न कुछ करने में इंटरेस्टेड होता है, न कुछ न करने में। कितना इंटरेस्टिंग है। तो कहीं ना कहीं हमें ज्ञान के पथ पर हमारा जो कर्म है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो जरूरत का है, वो निरंतर होता ही रहे। सांस आ रही है, जा रही है, करना न करने की बात नहीं है, निरंतर जो आवश्यक है वो जारी रखे। एक ज्ञानी व्यक्ति का ये लक्षण है, वो कहीं पे बहुत इंटरेस्ट भी नहीं बताता और कहीं पे बहुत इनर्शिया, जड़ता भी नहीं बताता कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना है। तो हमें एक सूरज ये ब्रह्मा को कह रहा है, तो ये ज्ञान सिर्फ ब्रह्मा के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी है कि हमें निरंतर करते रहना चाहिए जो आवश्यक है, जो स्वभावता है। आगे और सूरज ब्रह्मा जी को क्या कह रहा है वह देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।